पंडरिया कुकडूर बजाग रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस द्वारा अर्धनग्न होकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें कथित रूप से उपस्थित भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जूते व विश्रम फूल की माला पहनाकर उन्हें कवर्धा का भ्रमण करवाया गया। आपको बता दें कि 1,19,90,000 के भ्रष्टाचार पर शिकायत के बाद आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जिलों में समस्त सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भी यहां पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ अजीत जोगी युवा मोर्चा के नेतृत्व में सिग्नल चौक में इस बात को लेकर कहा गया कि जिले में जिस तरीके से ये गतिविधियां चल रही हैं, इन सब पर सरकार को कड़ाई बरतनी चाहिए। जो पंडरिया कुकडू और बजाग मार्ग है, जिस पर हमने पूरे सबूत के साथ पिछले फरवरी में कलेक्टर महोदय के पास और उसके कुछ दिन बाद माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर के पास शिकायत किया था, परंतु आज 4 महीना बीत जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं के बराबर हुई है। मुझे स्वीकार है क्योंकि मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी किया गया है। अपना पंडरिया बैराग जो रोड है, वहाँ भी करोड़ों रुपया का दलाली मेरे द्वारा गबन किया गया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। TCP 24 के लिए कवर्धा से प्रवीण टाइगर की रिपोर्ट। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।